अक्षय तृतीया के अवसर पर खरगोन जिले के ग्राम बरूड़ में कुमरावत समाज ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक बंधुओं के 25 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। अक्षय तृतीया कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम के पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ, जिसमें समाज के 25 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। वही कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल भागीरथ कुमरावत, सामाजिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कपूरचंद कुमरावत के माल्यार्पण के साथ वैवाहिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। कुमरावत समाज के अध्यक्ष रामचंद्र कुमरावत ने सामाजिक वैवाहिक सम्मेलन में पधारे समस्त स्वजातीय बंधुओं का आभार व्यक्त किया। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। देखिए, ये तो समाज का प्रेम है। ये निमाड़ में सभी समाजों में सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी को होते हैं, और ये सामूहिक विवाह के माध्यम से सारे समाज की समस्याओं का ही समाधान होगा। इसमें सिर्फ विवाह करना इतना नहीं है, लेकिन विवाह करने से समाज के संगठन मजबूत होते हैं, समाज की गरीबी जा रही है, समृद्धि आ रही है। आज जैसे बरूड़ में 24 जोड़ों का सामूहिक हुआ है, 25 जोड़ों का। ये 25 जोड़े यदि घर से होते तो करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो जाते। ये करोड़ों रुपए बच रहा है प्रतिवर्ष, यही पैसा समाज के विकास में लग रहा है। कोई खेती में विकास कर रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाई कर रहा है, अनावश्यक कर्जे से बच रहे हैं, तो इसके कारण एक प्रकार से समाज में समृद्धि आ रही है। और ये श्रृंखला लंबे समय से मैंने पूरे निवाड़ जिले में चलाई है, और उसी से सभी समाजों का प्रेम है, इसलिए मुझे बुलाते। ऐसा है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से तरोली समाज उन्नति करे, विकास करे। ये बहुत अच्छा, ये धार्मिक कार्यक्रम है, उत्सव का त्यौहार का कार्यक्रम है, और सामाजिक समरसता उत्पन्न होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि गरीब अमीर सब एक पंडाल के नीचे आकर ब्याह शादी करते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे सामाजिक समरसता उत्पन्न होती है, ऐसे कार्यक्रम सब समाज करते हैं। और आज अक्षय तृतीया है, ये एक ऐसी तिथि है कि जिसमें सम्पन्न होने वाले कार्यक्रम सदियों और लंबे समय तक अक्षय तृतीया बिना मुहूर्त का मुहूर्त है। इसलिए ऐसे है अबूझ मुहूर्त पर और शादी विवाह के कार्यक्रम फलीभूत होते हैं। आज हमारे सूर्यवंशी कुमरावत तमोली समाज के इस टाटा बरूड में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज में यही मैसेज जा रहा है कि जिस तरह सभी एकजुट होकर समाज को जो हमारे पैसे के खर्च है अधिक, उसमें समाज जन परेशान न हो, सब मिलकर एक साथ सामूहिक विवाह करें, जिससे कि सभी का फायदा है, एवं इस तरह के आयोजन समाज में लगातार होते रहना चाहिए। हमारे समाज के युवाओं को चाहिए कि इस तरह के आयोजनों में हमारा तन मन धन के साथ पूरा सहयोग करें, और अन्य जगहों पर भी इस तरह आयोजन के लिए यहाँ से सभी में प्रेरणा लेकर करना चाहिए। साथ ही समाज के युवाओं को ही नई दिशा देते हैं, युवाओं को चाहिए कि वह हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करें एवं समाज के लिए